टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड, रहस्य, रोमांच, आध्यात्म और प्रकृति के खूबसूरत नजारों से लकदक है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ अद्भुत मान्यताओं से जुड़ी हुई कहानियां भी हैं, पौराणिक मंदिर भी हैं और दरगाहें भी हैं। कई ऐसे रहस्य और रोमांच से भरपूर जगहें भी हैं जो आज भी विज्ञान के लिए, वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। ऐसी ही एक स्थान है रूपकुंड, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि रूपकुंड का रहस्य क्या है। क्योंकि रूपकुंड को विज्ञान के जो जानकार हैं, ज्ञाता हैं, साइंस के जुड़े लोग हैं, वो खोजबीन के बाद कहते हैं कि ये विश्व की यानी दुनिया की सबसे ठंडी शमशान घाट है, जहाँ सैकड़ों चिताएं हैं, हड्डियां हैं, नरकंकाल है। लेकिन रहस्य क्या है, इस पर से पर्दा उठना आज भी बाकी है। तो टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड में आज हम आपको ले चलेंगे केदार घाटी और दिखाएंगे बर्फीले पहाड़ों के बीच रूपकुंड का रहस्य क्या कहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड लेक को इंसानी खोपड़ी की झील भी कहा जाता है। यह झील लोगों के लिए आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। यहाँ अब तक 600 से ज्यादा पुरानी इंसानी खोपड़ियां मिल चुकी हैं। हालांकि रूपकुंड में कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठने का भी दावा किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों की हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। इन कंकाल को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये कंकाल 1850 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का है। कंकाल झील के नाम से मशहूर रूपकुंड हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों खोपड़ियां दिखाई देती हैं। पहले कहा जाता था कि ये खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की जद में आ गए होंगे। ऐसा भी कहा जाता था कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। रूपकुंड की उत्पत्ति पर पौराणिक कथाएं भी हैं। मान्यता यह है कि एक बार कैलाश जाते समय देवी नंदा को प्यास लगी। नंदा के सूखे होंठ देखकर भगवान शिव ने चारों ओर देखा, परंतु कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। सो उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर गाड़ दिया और वहां से कुंडाकार में जलधारा फूट पड़ी। नंदा ने कुंड से पानी पिया और उसके स्वच्छ जल में स्वयं को शिव के साथ एकाकार देख आनंदित हो उठी। तब से यह कुंड रूपकुंड और शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। यहाँ का पर्वत त्रिशूल और नंदा घुंघटी, उससे निकलने वाली जलधारा नंदाकिनी कहलाई। हिम शिखरों के नीचे दबी थी कन्नौज की सेना। नंदापथ से जुड़ी लोक मान्यताओं और कथाओं में कन्नौज के राजा यश धवल की सेना के साथ कैलाश की यात्रा देवी के कुपित होने से सैकड़ों सैनिकों एवं लोगों के हिम शिखरों के नीचे रूपकुंड के समीप दब जाने से मौत होने का जिक्र है। ये नरकंकाल उन्हीं लोगों के हैं। 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहाँ हुए ओलावृष्टि में फंस गया था, जिसमें सभी की अचानक दर्दनाक मौत हो गई थी। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल की साइज के बराबर ओले रहे होंगे। वहाँ कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था और सिर छुपाने की कोई जगह भी नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना 1850 ईस्वी पूर्व के आसपास रही होगी। साहित्यकार कहते हैं कि गढ़वाल के कुछ सीमांत गांव में मुर्दों के ऊंचे ऊंचे हिमकुंडों तक ले जाकर विसर्जित करने की प्रथा है।
संभव है कि रूप कुंड ऐसा ही शमशान हो। बहरहाल नर कंकालों का रहस्य जो भी हो, लेकिन रूप कुंड के आसपास खड़े होकर हिमालय और बर्फीले पहाड़ों को निहारना एक रोमांचक और कभी ना भूलने वाला थ्रिलिंग अनुभव कराता है। टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड में आज हमने आपको दिखाया रूप कुंड का रहस्य। टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको हर बार एक ऐसे ही मंदिर या किंवदंतियों से जुड़े स्थान के बारे में बताएंगे जो अपने आप में रोचक भी है और विज्ञान के लिए चुनौती भी है। तो ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज वायरस, क्योंकि हम हर बार आपको ऐसी ही अनोखी कहानियों से रूबरू कराएंगे। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।